Students, now we have started the chapter number 2 of computer science, that is function. Function means to change the program, to divide the program to short forms. Means that if our big program is very lengthy, if there are changes to do something, something to modify, that is very difficult because all the programs will have to check and all the programs will have to compile. उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस का. फंक्शन की टेक्निक का बेसिकली मीनिंग ये डिवाइड एंड कंक्वर अप्रोच, दैट मीन मॉडुलर अप्रोचेस. मीन्स प्रोग्राम को डिवाइड किया जाए और उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में बनाकर उसका यूज़ किया जाए. इसीलिए फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन अ प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क. मीन्स एक छोटे छोटे स्टेटमेंट्स का ग्रुप बना लिया जाए उनको उनसे प्रोग्राम के अंदर और उनसे कोई पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व कराया जाए. जैसे प्लस करवाना है केवल, माइनस करवाना है प्रोग्राम के अंदर. मान लीजिए आपके प्रोग्राम के अंदर सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने को दी गई हैं लेकिन उसके अंदर आपको सिर्फ प्लस करना है माइनस करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस का. फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन के अंदर एक ऑप्शन यूज़ किया जाता है, इसको डेफ, दिस इज़ द कीवर्ड. इस कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा अगर हम पाइथन के अंदर किसी भी फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फंक्शंस को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में जो हम फंक्शन मान के चलते हैं. नंबर 1 इज बिल्ट इन फंक्शन, 2 इज मॉड्यूल, 3 इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नंबर 1 पे आता है बिल्ट इन फंक्शंस, जिन फंक्शंस को हम टाइप कन्वर्जन फंक्शन भी बोलते हैं. रीज़न इज दैट ये हमारी वैल्यूज को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. जस्ट लाइक आपका पहला फंक्शन हुआ इंट, इंट मीन्स हम इंटीजर वैल्यूज यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्प्ले कराना. जैसे कि मान लीजिए हमने इंट के अंदर कोट्स के अंदर कोई आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज दी हुई है लेकिन उसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इंट और उसके अंदर हम वैल्यूज दे देते हैं आपका 33.6 लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा आपके सामने ओनली 33 दिखाई देगा. रीज़न इज दैट क्योंकि डेसिमल वैल्यूज आपके इसमें अप्लाइड नहीं होती है. सेकेंड थिंग इज एसटीआर वो स्ट्रिंग. स्ट्रिंग वैल्यूज मीन्स जिनको जिनके कैलकुलेशन पॉसिबल ना हो, जिनके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स वर्किंग करें. जस्ट लेकिन फिर भी हमने जैसे एसटीआर एक फंक्शन लिया उसके अंदर मेंशन कर दिया इंटीजर वैल्यू, बट जब कंप्यूटर इसको प्रिंट करेगा, जब स्क्रीन पे इसका आउटपुट आएगा तो दोनों सर कोट्स लग जाएगा. कोट्स मीन्स ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है, इट मीन्स अब इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. अब नेक्स्ट वन इज फ्लोट. फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज, मीन्स ऑलवेज शोज द डेसिमल वैल्यूज, या आप कह सकते हैं आपका रियल टाइम रियल नंबर वैल्यूज. जस्ट लाइक हमने एक वैल्यू पुट की और उसका सॉल्यूशन होकर के आपके सामने इस तरह प्रिंट हो जाएगा. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. मान लीजिए एक वैल्यू हम और दे देते हैं, हमने मेंशन कर दिया 0.2.6.1 और कोट्स में दिया है. कोट्स में देने से ये इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगी, बट हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे इसका रिस्पॉन्स आएगा तो 26.1 ही शो होगा. इसके आगे इसकी वैल्यू कुछ भी शो नहीं होगी. तो ये आपके हुए टाइप कन्वर्जन फंक्शन. इसी का सेकेंड पार्ट बिल्ट इन के अंदर आता है जो आपका कहलाता है इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन टू इनपुट द वैल्यूज, वैल्यू को इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है. यानी कि हमारे को एट द रन टाइम हम कोई वैल्यू को डालना चाह रहे हैं तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. हमने एक फंक्शन ले लिया इनपुट और उसके अंदर कुछ भी टाइप किया, एंटर ए नंबर, तो जो रिस्पॉन्स आएगा जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे सबसे पहले पूछेगा एंटर ए नंबर. मीन्स आपको एक नंबर डालने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज द कीवर्ड इनपुट, जो कि वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वैल्यू को पुट करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है. इसके अलावा हमारे पे एक और फंक्शन है इवैल फंक्शन. इवैल फंक्शन आपकी इवैल्यूएशंस के लिए यूज़ किया जाता है. इवैल्यूएशन मीन्स कैलकुलेशन वर्क के लिए. जस्ट हमने एक मेंशन किया इवैल और एक वैल्यू मुट पुट कर दिया इसके अंदर आपके सामने. कोर्स के अंदर भी दिया या कैसे भी दें उसको, तो ऑलवेज का आंसर प्रिंट होगा 55. रीज़न इज दैट इवैल फंक्शन आपकी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. जब न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको हर बार उसके न्यूमेरिकल वैल्यू ही प्रिंट होगी. इसके अलावा और भी कई फंक्शंस हैं जैसे मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एबीएस फंक्शन. मिन मीन्स मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, एबीएस मीन्स टू शो द एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. जस्ट लाइक हमने एक वैल्यू पुट करी एबीएस -27, आंसर विल बी 27. रीज़न इज दैट ये आपकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, उसको सही कर देगा, उसमें जो भी आपकी ये न्यूमेरिकल माइनस में वैल्यू है उसको फिनिश कर देगा. एक और फंक्शन आपके पास यहाँ पर, ये भी बिल्ट इन का ही फंक्शन है जो हम इसमें यूज़ करते हैं, टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन ये आपको शो करता है कि हमने कौन से टाइप की वैल्यू उसमें यूज़ की है. जस्ट लाइक हम ये भी लिखते हैं टाइप 10,
तो आंसर क्या प्रिंट होगा, इंट, क्योंकि ये बता रहा है हमारा इंटीजर टाइप, हमने इसका यूज़ किया है। इसमें एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ टाइप ट्रू, देखिए ट्रू आप वैसे कहने को तो स्ट्रिंग वैल्यू है, बट लेकिन अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं विदाउट कोट्स तो ये आपकी बुलियन वैल्यू कहलाती है। बुलियन मीन्स ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, कि इसके अंदर दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर इस तरह की वैल्यू को शो कराना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया टाइप 8 इज़ ग्रेटर देन 5 और इसका आंसर जो प्रिंट होगा तो वो भी बुलियन होगा। रीज़न इज़ दैट अगर हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई कंपैरिजन कर रहे हैं 8 कि ये बड़ा है या नहीं है, तो ये चेक करने वाली बात हो गई कि हम यहाँ ट्रू देख रहे हैं फॉल्स देख रहे हैं, तो ऐसे में भी ये बुलियन वैल्यू इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हुए। इसके अलावा इसमें और भी फंक्शंस आते हैं, जस्ट लाइक आपका लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन मींस आपकी टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैल्यू, कि किसी भी वैल्यू की लेंथ फाइंड आउट करना। जैसे कि हमने लेंथ 1, 2, 3, 4 हमने कोई भी वैल्यू इसके अंदर दी तो इसका लेंथ प्रिंट होगी 4, क्योंकि यहाँ की जो भी अपने इसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उनकी लेंथ को प्रिंट कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन मीन्स टू शो द राउंड वैल्यू, दैट मीन्स हमने कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, राउंड वैल्यू शो कराने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। हम मेंशन करते हैं राउंड 12.452, ठीक है, और कॉमा में यहाँ पे इसको मेंशन किया, तो राउंड वैल्यू जो आपकी आंसर आ रही है दैट इज कॉल्ड 12। क्यों? क्योंकि आपके सामने शो कर रहा है इसकी सिर्फ राउंड वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज उनको हटा देता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर मेंशन किया होता राउंड 12.67 तो आंसर हमारा प्रिंट होता 3 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। 13 वैल्यू को प्रिंट करेगा मैथमेटिकल रूल के अलावा कि किस तरह से उसकी वैल्यूज वर्क करेंगी। इसके अलावा कोई और फंक्शंस भी हैं जो हमारे इसमें बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन टू फाइंड आउट द रेंज, रेंज बेसिकली जब भी निकाली जाती है तो उसकी वैल्यूज इस तरह कैलकुलेट कर ली जाती है, जस्ट लाइक हमने यहाँ दिया रेंज और यहाँ पर मेंशन कर दिया 5.9, ठीक है, यानी कि 5 से वैल्यू 9 तक मूव करेगी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होती है जो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 पे फिनिश हो रही होती है। तो n-1 पे फिनिश होने का मतलब है कि हमारी प्रिंट होगी 5, 6, 7 और 8, क्योंकि 9 हमारा n-1 का पार्ट है, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो दिस इज अ चैप्टर की हमारा फिनिश हो गया बिल्ट इन फंक्शन। नाउ देन